नमस्कार। आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है। सहरसा को मिला जेसीडी देवघर और हावड़ा जाने के लिए नई ट्रेन का सौगात। इस नई ट्रेन का परिचालन धनबाद होकर भी रेल नेटवर्क से जुड़ेगा और इस ट्रेन का पूरा जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इंडियन रेलवे के आर को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। इस वीडियो को पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सहरसा वासियों को इस नई ट्रेन का सौगात के बारे में पता चल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सहरसा को मिली है एक बार फिर से एक और ट्रेन। यह ट्रेन सबसे बड़ी सौगात रेलवे द्वारा दी गई है। मालदा डिवीजन ने भागलपुर और रांची को सहरसा से चलाने का प्रस्ताव ईस्टर्न रेलवे जोन को भेजा था, जिसके बाद प्रस्ताव को जोन से हरी झंडी मिली थी। सहरसा रांची एक्सप्रेस ट्रेन वाया मुंगेर और जमालपुर रेलखंड पर चलने लगेगी। इस ट्रेन से मुंगेर जमालपुर के रास्ते कोसी क्षेत्र के लोग भोले शंकर के दर्शन को बाबा नगरी देवघर जा पाएंगे। वहीं हम धनबाद से नई ट्रेन की बात करें तो यह धनबाद से सीधे रेल नेटवर्क से सहरसा जुड़ जाएगा और इस ट्रेन के परिचालन से एक और फायदा होगा। यह एक फायदा होगा कि जेसीडी स्टेशन पहुंचकर लोग हावड़ा के लिए नई ट्रेन पकड़ पाएंगे। वर्तमान में सहरसा से रोज हटिया को जाने वाली कोसी एक्सप्रेस धनबाद नहीं जाती थी, उसका भी यह एक ट्रेन विकल्प बनेगा। बता दें कि अभी भागलपुर रांची एक्सप्रेस 18603 और 18604 सप्ताह में 3 दिन दोनों तरफ से चलती है। रेल सूत्रों की माने तो सहरसा से इसे चलाने के बाद धीरे धीरे रोज चलाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि भेजे गए प्रस्ताव में क्या क्या बातें मुख्य रखी गई थी। भेजे गए प्रस्ताव में दिए गए समय के मुताबिक रांची से मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को दोपहर 3:10 पर इस ट्रेन का टाइमिंग होगा और वहां से 3:10 पर यह ट्रेन खुलेगी। इसके साथ ही जमालपुर मुंगेर होकर सहरसा स्टेशन सुबह 4:45 पर पहुंचेगी। सहरसा से रविवार को, बुधवार को, शुक्रवार को यह वापसी ट्रेन लेगी और रविवार, बुधवार, शुक्रवार को उसका टाइमिंग होगा 3 बजे और 3 बजे यहां से खुलने के बाद सुबह 5:30 रांची पहुंचेगी। तो ये था ट्रेन का सारा डिटेल। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए इंडियन रेलवे के आर को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर अपने शहर के न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना शहर का नाम जरूर मेंशन करें।